मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमजान गुजरता जा रहा है और ईद की तैयारियां जोरों शोर पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी अपनी ईद की शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँ। लास्ट वीडियो में जो मैंने टॉप पहना हुआ था वो भी न्यू था, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और उसके बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, मुझे इतना पसंद आया था लेकिन मुझे जहन से ही निकल गया क्योंकि वो पहना हुआ था। लेकिन अभी ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी मेरा बिल्कुल न्यू है, मेरे ख्याल में आधे कपड़े तो मैंने पहले ही पहन लिए हैं, ईद से पहले ही मैंने पहन लिए। तो फिर मैंने दोबारा से जो है ब्लैक टाइप्स वगैरह की शॉपिंग दोबारा से किया, जो मैंने पहन लिया था कपड़े उनको दोबारा से खरीदा मैंने। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर शॉपिंग को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दी शॉपिंग। ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह नहीं है, आपने वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, ये बस थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो घर की होगी, एक दो चीज़ें ही होंगी और उसके अलावा जो है वो मेरे कपड़े वगैरह होंगे और मेरी फैमिली के कपड़े होंगे, शूज़ वगैरह होंगे। शुरू करते हैं घर की शॉपिंग से, तो दो चार चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो मेन मैंने कपड़ों के साथ ही आते जाते ले ली हैं, तो फिर उसके बाद आपको कपड़े दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये है पिलो। फ्रेंड्स, प्रमोशन में एज यूजुअल मुझे मिल गया बाय वन गेट वन फ्री, एक पिलो लिया और इसको उन्होंने बड़ी टाइट पैकिंग की हुई है, ये मैं आपको दिखा दूँ। फ्रेंड्स, आईकॉन इसको बाद में दिखाया जाएगा कि ये फूल के कितना बड़ा होता है, ना भी दिखाया जाए तो आपको पता ही होगा। ये बेडशीट्स हैं, अच्छी लग रही है सेम। और उसके बाद ये टिश्यूज वगैरह, ये टिश्यूज हमारे घर में इतने यूज हुए हैं ना, इतने वैसे ही बहुत ज़्यादा यूज होते थे लेकिन जब का बेबी आया ना तब से तो टिश्यूज का जो है ना हद खत्म हुई है। फ्रेंड्स, वो जो बेडशीट्स थी ना वो 1200 की थी। तो उसके बाद ये हैं डेट्स, मुझे प्राइसेस अब नहीं पता इनकी के इनकी प्राइसेस क्या थी। उसके बाद ये नेस्कैफे, ये मेरी फेवरेट तरीन कॉफ़ी और पूरा डिब्बा मैंने ले लिया इसका, आई लव दिस। अच्छा, एक मज़े की बात है, डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये जो आपको कमर में इंजेक्शन लगा ना, इसकी पेन के लिए आप कोक और कॉफ़ी ये दो चीज़ें यूज़ करें तो आपकी कमर में दर्द का आराम आ जाएगा, और दोनों मेरी फेवरेट। कोक मैं वो तो नहीं पीती, डाइट कोक लेती रही हूँ मैं, पूरे 9 महीने भी लेती रही हूँ, अब मैं आगे नेक्स्ट भी लगता है लाइफ टाइम डाइट के लिए वो ही लिया करूँगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए कपड़े, और ये लिए हैं हमने आइडियाज से, आइडियाज बाय गुल अहमद। फ्रेंड्स, ये मेरी शर्ट है, यू कैन सी। फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं फर्स्ट डे पे, जो आप मुझे बताएंगे ना फिर मैं वही पहनूंगी। उसके बाद ये शर्ट, ये भी आई है आइडियाज से। इस बार वो जो है ना दर्जी वाला रफ्फर नहीं हो सकता था क्योंकि मैं बाहर नहीं इतना जा सकती थी, ना दर्जियों के पास जा के अपने साइजेस देती और फिर उनको स्टिच करवाती और लाइक दिस दैट, तो फिर इसलिए मैंने सारे जो हैं वो रेडीमेड ले लिए कपड़े। इसके साथ ये ट्राउज़र है, काफ़ी कुछ मैंने ले लिया, ट्राउज़र भी ले लिए हैं, टाइट्स भी ले लिए हैं, तो अब पता नहीं मैं इनके साथ टाइट किसके साथ क्या टाइट्स पहनूंगी या क्या पहनूंगी। ये मैंने ली है 1400 का आया, ये मैंने लिया था चैनवन से, यस ये चैनवन से। और ये शर्ट मेरी आई है जो मैंने गुल अहमद से लिया है 2690 की, ये जो ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई है, और ये जो ब्लैक वाली है इसकी प्राइस है 3990, मतलब के 4000 की। ये वाली जो है, तीनों शर्ट्स बहुत ही कमाल, उधर ट्राई रूम में मैंने पहन के देखी ना, और ये मेरा स्टॉलर, मोस्टली मैं पहनती नहीं लेकिन ईद के लिए तो मैं पहनूंगी, टिपिकल यू नो। अच्छा, उसके बाद है ये वाली शर्ट, ये आई है 1899 की, ये भी जो है चैनवन से, ये थोड़ी सिंपल सी है, सारी सिंपल है
एम्ब्रॉयडरी वगैरह किसी पे भी नहीं है, लेकिन इसके आगे कोई लैस वगैरह भी नहीं लगी हुई, उनके फिर भी लेस लगी हुई है। ये टाइट्स हैं, ये वाइट टाइट्स हैं। टाइट्स की आपको प्राइसेस पता ही है क्या होती हैं। ये वाइट और ये ब्लू है। ये बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जीन्स की नहीं होती, मतलब जीन्स की जो पैंट होती है, वो पैंट भी नहीं है, मैंने वो भी दिखाती हूँ आपको। सी सेक्शन हुआ ना तो पैंट्स अभी मैं इतनी पहन नहीं सकती। ये टाइट्स मेरे लिए जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन पैंट मैंने फिर भी लिया, वो बड़ी कंफर्टेबल मुझे मिल रही थी उधर से, किधर से, चैनॉन से, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये टाइट्स, ये ब्लू टाइट्स है। अब ये बाद में जो है मैं बैठ के सोचूंगी कि मैंने ईद के फर्स्ट डे कौन सी टाइट्स किस शर्ट के साथ पहन ली। और एक ये सिल्वर, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सिल्वर कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है। और ये ब्लैक टाइट्स और ये वाइट दुपट्टा, वाइट, आई लव वाइट, अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लगेगा, मैंने जो पहना। अब आगे आ गई फ्रेंड्स मेरी बेटी की शॉपिंग, और शॉपिंग मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह इतनी की ज़्यादा की है कि एक एक की जगह तीन तीन गुना चीज़ें जो हैं वो बाय करनी है। और इस दफ़ा हमारा प्लान भी है कि हम घर से कहीं बाहर जाके एक दो दिन रहें और वहाँ पे अपनी ईद को सेलिब्रेट करें, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ, प्लान तो यही है, तो देखते हैं कि अल्लाह को क्या मंजूर होता है। ये फ्रेंड्स मेरी बेटी की शर्ट है, ये 3000 की आई है, 2990। इसके बाजू बहुत प्यारे बने हुए थे, ये देखें। मेरी बेटी भी वैसे मेरी तरह ना वो सिंपल कपड़े पसंद करती है, इस तरह एम्ब्रॉयडर्ड नहीं, लेकिन ये मैंने उसको अपनी चॉइस से लेके दी है। वो नहीं ये पहनना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा टिपिकल लुक आनी चाहिए, गर्ल्स को ये चीज़ें पहननी चाहिए थोड़ी एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह। मुझे भी शुरू से पसंद नहीं थी और उसको भी नहीं है, लेकिन ये पहनी हुई उसको बहुत अच्छी लगी। इसके साथ जो है मैंने उसको ब्लैक शूज़ भी लेके दिए, वो भी आपको दिखाती हूँ। इसके साथ सेम कलर में शूज़ थे, सेम जो मैंने ब्लैक लिया ना, लेकिन वो रफ़ होने का था, तो फिर यही था कि हर दफ़ा यही उसको साफ़ करना। लाइट कलर जो ना बड़ा गंदा हो जाता है, बेशक आप गाड़ी में भी जाओ ना, लेकिन वो लाइट कलर गंदा ज़रूर हो जाता है। तो फिर मैंने वो जो है बाइंडिंग की है। इसके अंदर ये है क्या, इसके अंदर पैंट है, हाँ इसके अंदर ये उसने स्ट्रेट पैंट ने जो मुझे घुमाया ना, एक पैंट के चक्कर में मैंने चार पैंट्स लेके दी हैं इसको, कि पसंद नहीं आई थी, नहीं ये शेप नहीं, नहीं ये शेप नहीं, नहीं ये शेप नहीं, नहीं ये शेप नहीं। तो अब मैं सारी शेप्स आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए कहाँ कहाँ से जाके कौन कौन सी पैंट्स ली हैं। एक तो ये थी, इसको मैंने आल्टर करवाया, ये है स्ट्रेट है, ऊपर से ये वेस्ट इसकी टाइट है थोड़ी, लेकिन नीचे से ये स्ट्रेट है। ये भी पसंद नहीं आई थी, फिर उसके बाद आई दोबारा, अभी अगली पैंट आई है जी, ये भी हमें पसंद नहीं आई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी कमाल के मैं आपको बता नहीं सकती। अगर ये मुझे इसकी वेस्ट पूरी होती तो मैं इसको ज़रूर पहन लेती। ये क्रॉस पॉकेट्स हैं इसकी, ये दो पैंट्स हो गई, ये दोनों हमें पसंद नहीं आई। ये हो गई थर्ड वन, ये ट्राउज़र, ये बस स्ट्रेट के चक्कर में ना, स्ट्रेट के ये सारा काम खराब हुआ है। अच्छा अब ये चौथी पैंट आने लगी है, चौथी पैंट, ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेट के चक्कर में ये सारा सीन हुआ है। तो फाइनली अब ये कि इन चारों में से कोई एक जो है ना वो पहन ही लेगी, फाइनली पसंद चारों में से एक भी नहीं है। ये ईडन रोप से, ये लिया फ्रेंड्स ईडन रोप से, ये भी 4000 का आया, लेकिन इसकी प्राइस मुझे इसलिए ज़्यादा नहीं लगी कि ये नीचे से बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए अंगरखा स्टाइल है ये, और ये देखिए दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और इसको पहना हुआ, इसने ट्रायल रूम में पहना, इसको बहुत ही अच्छा लगा, ये 4000 का आया। और ये स्टॉलर है इसके साथ, ये लंबा सा स्टॉलर गाइड थी मुझे चाहिए, तो दो दफ़ा मैं लेके आई हूँ रेडीमेड, वो छोटे थे, फिर इसने मुझे बोला कि नहीं मुझे लंबा चाहिए, फिर मैं स्पेशली थान से कटवा के तो फिर इसको पीको करवा के दिया। अच्छा ये भी ईडन रोप से, ये देखिए ये ब्लैक कलर में है, इसके बटन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। एक तो ये सिंपल था, लाइट सा था, ये आया है 3190 का, यानी कि 3200 से। ये अब चैनवन से लिया मैंने टॉप इसका, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना हुआ था। और
इसकी प्राइस थी 1499 1500 समथिंग, ये टॉप। और इसके अंदर जो पैंट है ये भी चैनल से आई है, और ये देखिए ये मेरी और इसकी सेम पैंट्स है, ये एक मैंने अपनी ली है और एक इसकी है, ये पैंट्स है, ये चैनल से ली, दोनों की जाहिर है सेम प्राइस होगी 1899। बहुत ही अच्छी थी ये पैंट, ये स्ट्रेच बहुत ज़्यादा है, ये देखिए स्ट्रेच बहुत, सेम डे लगा देंगे। ये साथ में था वाइट रोज़र, इसको भी अब इसने भी जो है ना चूज़ करना है कि कौन से शर्ट के साथ और कौन से टॉप के साथ इसने क्या पहनना है। तो ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है बड़ी खूबसूरत सी, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। और इसके साथ ये वाइट दुपट्टा, ये वाइट दुपट्टे और ब्लैक स्टॉलर्स जो है वो हम मिलके ले लेंगे। वैसे दो 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 ही लिए हैं, लेकिन कभी कि अगर किसी ने सेम डे पे पहना हुआ फिर भी ठीक है, अगर नहीं पहना हुआ तो भी ठीक है। अच्छा ये है स्कर्ट, इसको बहुत ज़्यादा शौक था स्कर्ट का, तो लास्ट टाइम भी ईद पे मुझे नहीं जैसी ये चाह रही थी मिल पाई। ये भी मैंने ली है चैनम से, और इसकी प्राइस बहुत ही अच्छी है, 580 की जस्ट आई है ये, 580 की। ये पीछे इसके कट बना हुआ है, ये चीज, तो ये कलर बड़ा खूबसूरत है, डिसेंट है, ये भी मेरा फेवरेट कलर है। आगे ये है एक, ये ब्लैक पैंट है, ये जीन्स की, ये भी मेरी बेटी की है। ये शर्ट है, ये मैंने लोकल आवेंज जाते हुए मैंने कहा चलो घर पहन लेगी, मुझे अच्छी लगी, कलर बड़ा अच्छा लगा, अजरक स्टाइल था, तो मैंने ये भी ले ली है किसके लिए। अच्छा अब फाइनली आ गई मेरे हस्बैंड की शॉपिंग, और सारी मेरी पसंद की चीज़ें, जो मेरी चीज़ें हैं वो उनकी पसंद की चीज़ें हैं। तो आपने मुझे बताना है कि किसकी शॉपिंग और किसकी चॉइस ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की बहुत अच्छी चॉइस है। ये है शर्ट एक, ये मेरा फेवरेट कलर, और सारे कलर ही मेरे फेवरेट हैं। ये मेरे हस्बैंड को कलर पसंद नहीं था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उनको लेके दिया और वो बहुत अच्छे लगेंगे इसमें इंशाल्लाह। ये जो मैं आपको कह रही थी कि मेरे बेटे की भी शर्ट है और उनकी भी, और हम सब ब्लैक पहनेंगे, ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है, इनकी भी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो चैनल से ही हुई है। ये सबसे मेरी फेवरेट शर्ट है, लाइट कलर है, और इसमें यह कि गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगती। ये तकरीबन 2500 प्लस समथिंग में आई हैं सारी हाली शर्ट्स, एक एक शर्ट जो है ना, यानी ये भी चैनल से ली है, और इसकी प्राइस है ये 3000 की है, 2500 प्लस में ही आई हैं, यानी 2500 के ऊपर ऊपर ही। और ये किधर से ली है, ये सारी शर्ट्स इनकी एक ही जगह से ली हैं चैनल से ही। अच्छा मर्दों की शॉपिंग में ना बस यही होता है, सिंपलिसिटी सी होती है, उसमें आपको कोई लेसिस वगैरह नहीं लगी होती, कोई कुछ नहीं होता, आपको ज़्यादा जो बताना नहीं पड़ता कि क्या हम दिखाने जा रहे हैं क्या नहीं। सिंपल बेचारों की पैंट्स होती हैं और सिंपल शर्ट्स होती हैं। ये पैंट है मेरे हस्बैंड की, ये सब कुछ मेरी चॉइस का है। अब ये भी इन्होंने फाइनल करना है कि ब्लू किस दिन किसके साथ पहननी है, ब्लैक किसके साथ पहननी है, और जो है मेरून किसके साथ पहननी है। एक ये पैंट है, इस दफ़ा तो हमने ना पूरे साल की जो कसर है ना शॉपिंग्स की वो निकाली है, कि हमने पूरा साल ही समझे कि एक तरह से ईद के बाद शॉपिंग थोड़ी बहुत करते रहे हैं, कभी शर्ट ले ली कभी कुछ, एक प्रॉपर जो शॉपिंग होती है ना वो हमने नहीं की, तो वो हमने ईद पे अब अच्छी सी कसर निकाली है। ये पैंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसकी भी आई थिंक क्रॉस पॉकेट्स हैं और जिप्स भी लगी हुई हैं, ये ट्राई करते हुए, अब जिपें खुली हुई हैं इनकी। और ये सब कुछ जो है आपको पहना हुआ मेरा तो नज़र आएगा, इन सब का आएगा कि नहीं ये कोई पता नहीं। अपने हस्बैंड के लिए वॉलेट, मैंने कहा आपका बहुत बेबरकता वॉलेट है, उसमें पैसे नहीं टिकते, लेकिन जो है मुझे नहीं लगता कि इसमें भी टिकेंगे, पैसों का काम ही नहीं टिकना इसमें, पर्स का कसूर नहीं होता। ये देखिए फ्रेंड्स चैनल से लिया है, इसकी प्राइस है 3499 3500 समथिंग। और इधर से मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा सिंपल सा है, बहुत क्यूट सा है, ये बीच में आईडी कार्ड भी रख दिया हमने फ्रेंड्स। असल में ना ये कल हम लोग बाजार ले गए थे, तो फिर आपको दिखाने के लिए इसको दोबारा से पैक करना पड़ा, सॉरी सॉरी सर। अच्छा उसके बाद
फ्रेंड्स, तीन बातों से वीडियो फनी हो जाती है, क्या ख्याल है? अगर मैं चाहती तो इसको कट भी कर सकती थी, इसको दोबारा आपको दिखाती आई डी कार्ड निकाल दूँ। एनी वेज, मेरे हस्बैंड का आई डी कार्ड ज़्यादा तो नहीं नज़र आ गया आप लोगों को। ये सॉक्स वाली बैठेगी शूज़ के अंदर पहनने के लिए, ये भी आई हैं चैनवन से, ये वाली चैनवन से आई हैं, ये चैनवन से नहीं आई हैं, ये लोकल है। और ये दो पेयर्स हैं सेम कलर में, और ये इनकी प्राइस है 249 एक और 249 एक, यानी कि ये 500 की दो सॉक्स हैं। ये आ गया खुसा, ये मुझे अच्छा लग गया, ये लोकल खुसा है, ये किसी ब्रांड का नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कंफर्टेबल और लाइट वेट था, और ये मुझे जस्ट 500 में मिल गया। ये आ गई मेरी सैंडल, और ये भी लोकल है, ये इसकी प्राइस है 599। उसके बाद ये सॉक्स, ये इधर से आई है, ये कारफोर से ली थी, थ्री पेयर। आप कह रहे होंगे सॉक्स की शॉपिंग की हुई है, ये शूज़ के अंदर सॉक्स पहनने के लिए शॉपिंग हुई है। ये मेरे हस्बैंड की सैंडल, ये लिया हमने बोर्जन से, ये कितने इसकी प्राइस भी देखी, ये 2100 की सैंडल। उसके बाद ये आगे शूज़, ये मेरी बेटी के शूज़ हैं, इसमें सी ग्रीन कलर भी था, वो जो मैंने आपको टॉप पहले दिखाया उसके साथ, लेकिन वही के एंड पे प्रॉब्लम हुई थी, लाइट कलर है और जल्दी जल्दी गंदा हो जाएगा, तो फिर हमने ब्लैक चूज़ किए। वाओ, इट्स लुकिंग गुड। वैसे ये इतने प्यारे नहीं हैं जितना ये इसमें लग रहे हैं। उसके बाद ये आए हैं 3500 के जॉगर्स, ये ऑनलाइन भी हमने देखे हुए थे, तो वो उधर भी प्राइस सेम थी, लेकिन साइज़ का इशू था, फिर ये था कि जाएगा फिर वापस आएगा फिर दोबारा से आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ना हो कि ईद तक ना पहुँच सकें, तो इसलिए हम लोगों ने इधर से ही शॉपिंग कर। अच्छा फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं मेकअप, और ये है सबसे पहले हेयर स्प्रे, फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही, और ये मैंने ईडन रोप से लिया परफ्यूम, परफ्यूम नहीं सॉरी बॉडी स्प्रे, इसकी स्मेल ओह, इट्स रियली कूल फ्रेंड्स। ये ओ माई गॉड फ्रेंड्स, मेरा कैमरा हिल गया। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ये है, ये मेरी बेटी ने लिया आइडियाज से, ये वाला, इसकी प्राइस है 390। ये मैं पहन के देखना चाहती थी लेकिन मुझे शायद ये सूट ना करे, नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये उसको ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद है फ्रेंड्स, ये उसने दराज से आई थिंक मंगवाए हैं ऑर्डर करके, दराज से जी। अच्छा मुझे ना हेयर बैंड्स इतने पसंद नहीं है फ्रेंड्स, आगे आगे ये नॉट बैंड पहन रखो, ये आ गया बेल्ट, ये मेरी बेटी की बेल्ट है और ये हस्बैंड की बेल्ट, पता नहीं किधर गई। ये पाउंड्स का है फिशर फॉर्म, ये है डव का ब्यूटी मॉइस्चराइजर, इसकी लाइट ये इधर रखूंगी तो आपको सही लग रहा है इसमें। ये है बीबी क्रीम, कितनी देख के सोच के असल मैं पढ़ने लग गई थी कि ओरिजिनल है ना। ये रिवाज का है फाउंडेशन, ये बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त किस्म का, दिखाऊँ लगा तो दिखाऊंगा, लगा तो दिखाऊंगा सिर्फ नोज पे। ओह देखा, वाह वाह वाह, अब इधर दिखाने वाली तो ग्लो कर रही है ना। डिफरेंस नजर आ रहा है फ्रेंड्स, रिवाज का लिया करें। ये प्राइमर, ये नेल रिमूवर, सॉरी नेल पॉलिश रिमूवर, नेल ही रिमूव करने इससे इससे आपने जो है ना अपनी नेल पॉलिश रिमूव करनी है फ्रेंड्स। से मैं बुरी तो नहीं लग, बुरी तो नहीं मैं लग सकती, लेकिन ये वो जो सीन यू नो हिरन के सीन। अच्छा ये है डर्मा का फेस वॉश, इसको वॉशरूम में होना चाहिए लेकिन ये फिलहाल अभी मेरे हाथ में है क्योंकि इसको आपको दिखाना लाजमी था।
ये हैं लिपस्टिक, लिपस्टिक के कलर्स, ये एक पिंक कलर है, इसको भी लगा लेते हैं, अभी तो मैं वीडियो में दिखा दूँगी। उसके बाद एक ये है लिपस्टिक, इसको देखते हैं ये कौन सा कलर है। उल्टी साइड खुल लिया, ये वही है, ये भी लगाएंगे, इसको पहले अप्लाई करते हैं। नॉट बैड, इसका नीचे वाला उतर गया फ्रेंड्स, ये इसकी पैंट उतर गई। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद है एक ये लिपस्टिक, सॉरी कंसीलर, इसको भी लगा। देखिए सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा, उल्टा कंसीलर सबसे पहले लगना चाहिए था, बाद में निकलने लगा हुआ। ये खुल नहीं रहा, खुल रहा खुल, इसको भी लगा लें फ्रेंड्स, ये खुल गया है लेकिन लगाना नहीं है क्योंकि वो ना हो के पंखा भी बंद है और इधर पे जो है वो आपको जिन भूत चुड़ैल टाइप लग रही हो, बीबी का है ये, शिमर है, शाइनर है, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा, इस वाले मैं कहती हूँ हाथों से अच्छा ब्रश ही कोई नहीं। ये क्या है, मस्कारा 2-in-1 और लाइनर, ये नहीं लगाना इधर, और ये लाइनर, ये अभी इस पे सारा मेकअप यूज होगा, अभी इधर तो हम बैठ के यूज नहीं करेंगे। ये मेकअप को मैनेज करने के लिए एवरी वुमेन नाउ, ये ब्लैक पिंस जिस घर में ना हो मेकअप नहीं हो पाता उस घर में, हेयर स्टाइलिंग इसके बगैर नहीं होती। ये 2 लीवर, ये नेल पॉलिशेस हैं, 3 हैं, वाइट है, ऑरेंज है और ब्लैक है। ये आई पेंसिल है 24 आवर्स के लिए, ये स्टिल रहेगी, यानी कि आपको इतना तंग करेगी आपकी आंखों में, फैल जाएगी, नीचे चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, उतरेगी नहीं। ये ब्राउन पेंसिल है, ये अच्छी लग रही, इसको आईब्रोज पे मैनेज करेंगे। उसके बाद ये नेल्स हैं, ये मेरी बेटी लगाएगी, मैं नहीं लगाऊंगी, और ये लगा के फिर वो अपने भाई को बिल्कुल नहीं पकड़ेगी क्योंकि उसको नेल चुभेंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसको ना ही लगवाया जाए। ये फ्रेंड्स ब्रेसलेट है, ये भी उसने दराज से ऑर्डर किया था, सॉरी फ्रेंड्स मुझे नहीं पता ना कि ये क्या है। और ये उसने अपने लिए एक वॉच ऑर्डर की थी, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा दराज को लेकर, लेकिन ये पहली चीज़ थी जो मुझे पसंद थी। इसकी पैकिंग बहुत खूबसूरत बनी हुई है। उसके अलावा ये घड़ी भी इसने दराज से मंगवाई है, मंगवाया इसने कुछ और था तो आ कुछ हो गया। फाइनली शॉपिंग हुई एंड, और मेरा एनर्जी लेवल भी डाउन होने जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बाजार भी गई और आपके लिए वीडियो भी बनाई। एंड पे आपसे फिर एक दफ़ा कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। और आपको पीछे ठक 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 आवाज़ें आ रही होंगी, कुछ लोग उठते नहीं हैं और वो मोहल्लेदारों की ड्यूटी लगा देते हैं कि आपने हमें सैरी में उठाना है, और वो लोग उठाने वाले आगे, सैरी का टाइम हो गया, मैं भी सैरी करती हूँ, आप लोग भी जो जो आपके पास टाइम हो रहा है उस टाइम को इंजॉय करें। कीप वॉचिंग कुछ ही व्लॉग्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।